नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आने वाले मोहर्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सजगता दिखाते हुए मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के साथ रविन्द्र नाटक गृह में बैठकर गाइडलाइन तैयार की गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पिछली दफा मोहर्रम पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जिला प्रशासन की रोकथाम के बावजूद भी कई ताजिया जुलूस निकाले गए थे, जिससे शहर का माहौल काफी खराब हुआ था। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मोहर्रम से पहले ही मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के साथ रविन्द्र नाट्य गृह में कलेक्टर मनीष सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग सहित नगर निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई और मोहर्रम को लेकर तैयार की गई गाइडलाइन पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान मनीष सिंह का पिछली दफा खजराना से जो मोहर्रम का जुलूस निकाला गया था, उस पर जिला प्रशासन द्वारा रासुका की कार्रवाई की गई थी। यदि इस बार भी किसी तरह का कोई माहौल तैयार किया जाता है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और जो भी जिला प्रशासन के गाइडलाइन के अनुरूप धार्मिक आयोजन करता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी लहर दुनिया के कई मुल्कों में आ गई और हमारे इंडिया में भी आ गई है। कल 40,000 के करीब पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं पूरे इंडिया में, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी मिलजुल कर हमको इस कोविड से लड़ी लड़ना है और अपने जो भी मजहबी काम है मुख्तसर तौर से जैसे करते रहें और एक कुछ महीने की बात है, इंशाल्लाह आते साल तो सब नॉर्मल जिंदगी होगी। मोहर्रम में गए महीने गए साल जो गलतफहमी हो गई थी, खजराने से ताजिया निकल गया था, तो उस समाज से कोई गलतफहमी समाज में ना हो तो प्रशासन ने उसे समझा मीटिंग बुलाई। सहयोग किस तरह की मोहर्रम में सहयोग तो हमेशा ही करते रहे ना, हमेशा ही सहयोग करते रहे। हम हमारी बात समाज तक हम कैसे पहुँचाएंगे, हमारा क्या तरीका है ये जानना चाहते हैं अपने लोगों तक। आप अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे, भेजिए रहे ना मीडिया, सोशल मीडिया और वैसे भी सब भेजा रही है लोगों के अंदर कि जिस तरह से भी लोगों ने अपने घरों में रहकर करा है वैसे आपके भी करना है। देखिए अभी मीटिंग बुलाई गई है मोहर्रम के लिए, मोहर्रम में किसी प्रकार के सब रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाए हुए हैं। पिछली बार भी एक खजराना क्षेत्र में कुछ ताजिए निकल गए थे, इसके कारण हमको रास्कों पर लगानी पड़ी थी। इस बार सभी को स्पष्ट कर रहे हैं अभी और सभी को अभी से ही बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। मुस्लिम लीडर्स को बुलाया गया है, अभी सारे पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट्स भी आए हैं अभी और वो स्पष्ट हम लोग बात कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए